इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मिलिए हनी से। Hi. तो हनी आई है, उसको पूर्वी की याद आ रही थी, और दर्शु भी आई है, और दर्शु और साहिल गए हैं भाजी लेने के लिए बाहर, मतलब जो अभी खाना बनेगा। तो आ गए हैं वो लोग। हाय साहिल भाई, हाय दर्शु, हाय फ्रेंड्स, मिलिए दर्शु से। हाय तो फ्रेंड्स, ये लोग गए थे भाजी वाजी लेने के लिए, और अभी हम बनाएंगे मिलके खाना। आज हम बनाएंगे दर्शु स्पेशल चिकन। तो दर्शु का जो स्पेशल चिकन है, दर्शु होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। दर्शु का पूरा नाम है दर्शना। तो हनी देख रही थी शिनचैन और इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि व्लॉग में आवाज आ रही थी शिनचैन की, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाए हैं अभी अभी, और दोपहर की दाल रखी है। खा लेगी ना बेटा? बहुत सारी भाजी रोटी बनाई। और चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया है। ठीक है, तो चलो तो फ्रेंड्स, सब्जी हमने अभी चढ़ा दी है, चिकन बन रहा है, अभी सिर्फ गर्मा गर्म रोटियां डालना बाकी है। तो ये सीन मस्त लगता है ना, ऐसे बैठे करो। हाँ, ऐसा लगता है करके सनसेट पॉइंट पे बैठे। हाँ, और ये पूर्वी ऐसे सोती है ना, ऐसे सोती है ना, हम लोगों को डर लगता है ऑफिस कलर ना निकल जाए। तो बोला दीवार से चिपक के मत। तीनों देखो कैसे खड़े हैं, ये लोग कर रहे हैं पिक्चर डाउनलोड। कौन सी पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं सेल? एक्सोसिस्ट। तो कोई तो भूत की हॉरर मूवी, ये लोग पीछे हॉरर मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, और वैलेंटाइन डे के बलून फुस हो गए थोड़े थोड़े। देखो इतने से रह गए हैं, यहाँ पर तीन और यहाँ पर तीन। हनी चल खाना खाने को। मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं उसे थोड़ी देर से बात नहीं क्यों। तो ये बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, और खाना यहाँ पर रेडी है। पूर्वी सैलेड रेडी कर रही है, तो मैं दिखाती हूँ। देखिए ये दर्शु ने बनाया है चिकन कोरमा, तो दिखने में भी अच्छा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है ना। तो चलिए खाते हैं, आ जाओ आप लोग भी खाना खाने के लिए। पूर्वी को ना रोज रोज बाजरे की रोटी खाने की आदत पड़ गई है, लेकिन आज मैंने गेहूं की रोटी बनाई है। तो मैंने 5 किलो आटा पिसाया था, जवारी बाजरी नाचनी ये सब मिला के, लेकिन आज मैंने नहीं बनाया। मैं 2-3 दिन से वही रोटी बना रही हूँ, तो आज मैंने गेहूं की रोटी बनाई है क्योंकि साहिल नहीं खाता है। साहिल पता है क्या बोलता है बाजरे की रोटी को? सीमेंट की रोटी। बाबू बाजरे की रोटी को क्या बोलता है? सीमेंट जैसा क्या बनाया है। तो चलो बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, आ जाओ आप लोग भी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी आज रात वापस हॉरर मूवी देखने वाले हैं, बहुत मस्ती होने वाली है। पूर्वी नहीं, चलो बॉलीवुड की देखेंगे ना। और दर्शु ने चिकन बहुत टेस्टी बनाया था, सबको अच्छा लगा चिकन कोरमा उसके हाथ। थैंक यू। पूर्वी कैसा लगा? हनी इसलिए बोल रही है क्योंकि हनी डेली खाती है उसके हाथ का, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू टोल के नेक्स्ट डे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग उठ चुके हैं, यहाँ पर साहिल सोए हैं और यहाँ नीचे हम सब सोए थे क्योंकि हम लोग ने मूवी देखी थी, और दर्शु उठ गई है और पूर्वी नहीं उठती है उठाने से भी। पूर्वी उठ जा बाबू।
तो अभी मेहमान आने वाले, कौन आने वाला है वो मैं बताऊंगी आप लोग को, बने रहिएगा वीडियो में दिन भर। तो अभी मैं जरा मॉर्निंग वॉक से आई हूँ, गर्म पानी पिया है और चल रही हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज इडली, इडली चटनी बनाएंगे हम नाश्ता करके, फिर फ्रेश होएंगे, मतलब फ्रेश होएंगे फिर नाश्ता करेंगे, उसके बाद में खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने इडली बनने के लिए रख दी है और इस जार में पीसने के लिए जा रही हूँ मैं चटनी, हरी मिर्च और वो चना दाल होती है ना, दलिया, दालिया बोलते हैं उसे, और नारियल, लहसुन, धनिया की चटनी। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम सब ब्रश, मैं भी ब्रश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना इडली को ऐसे ठंडा करने के लिए रखा है, उसके बाद में निकालूंगी। और ये वाटी में मैंने क्यों रखा है पता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पेस्ट हो जाता है तो मैं छोटी वाटी इसके ऊपर रख देती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी चाय, इडली और ये चटनी रेडी है, आ जाओ आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो सारा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, अभी मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा आटा, क्योंकि मैं डालूंगी गरम गरम पूड़िया और मेहमान शायद आ गए दरवाजे पे, दो बेल बजा है, मैं मिलाती हूँ। देखिए कितनी कमेरी लड़कियां हैं, ये देखो 1 2 3 और यहाँ पे देखो बना रही है ये लोग गरम गरम पूरियां, और बाकी का सारा खाना रेडी है और ये मशीन पे पूरियां बन रही है। हनी क्या कर रही है? हनी खाने का इंतजार कर रही है और यहाँ पे गरम गरम पूरियां रेडी है। और आइए मैं मिलाती हूँ, कौन आया है? बंधन बैंक के पास। हाय, ये छोटे देवर, ये बड़े देवर, और इसको तो आप जानते होंगे, इसको कहीं देखा है? ये देवर है और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। अंकल अंकल आने वाले हैं, उससे मुझे बात कर लेते थे अपन, क्या बोल रहे हो? तो ये देवर आए हैं जर्मनी से, ये 3 साल से जर्मनी में। अपना बताओ। अस्सलाम वालेकुम, हम बर्लिन से आए लोग हैं। तो ये थे 3 साल से जर्मनी में, आप क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई, अभी काम धंधे, होटल मैनेजमेंट करके गए थे ना। मैं तो अभी तो ज्यादा कुछ नहीं, काम ही चल रहा है। वहाँ जाके मैंने एमएस किया। हाँ, एमबीए। अभी भी मम्मी का हाथ है सर पे। हाँ, समझ नहीं आता ना ऐसा क्या बोलना होता है, सब मम्मी की तरह डालना मस्त। यस, बॉडी बड़ी अच्छी बन गई है फ्रेंड्स, लड़की बताओ इनके लिए। देखो बड़े भाई से छोटा भाई कितना अलग है, हमेशा ऐसे ही होता है। बड़े भाई साहब हैं हमारे, इनकी बड़ी बहन जी और साहिल भाई, बस हाय। हाँ, दांत के ऊपर दांत है, इधर भी आ रहे हैं और खाएंगे मजा आए। इनको अपन क्या बोलते हैं? गुड्डू भैया ने कितना गंदा लिखा। फ्रेंड्स मिलिए गुड्डू भैया से। गुड्डू भैया अभी तो बाल आ गए, उस टाइम एकदम ऐसे ही लग रहे थे। टकला किया था तो सेम मस्त, हम लोग ने बोला था ब्लॉग में। फिर दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, खाना हो गया है, अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम। हाँ उधर 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 बस। बड़े होते हैं ना, हम चॉकलेट खाते हैं, स्ट्रॉबेरी नहीं खाते। इसको नहीं दी बेचारे को आइसक्रीम, वो ऐसे सोता रहता है। सुबह का याद है ना? कभी कभी कुछ तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मुंह धोया जा रहा है फेस वॉश से, पलंग पे बैठ बैठ के इतनी लाइनें लगी हैं, मसाज हो रही है अच्छे से, वही करना पड़ा। हो गया मम्मी, चलिए। और बाहर चालू है पुष्पा मूवी और यहाँ पर ये लोग बैठे हैं।
few moments later. हनी और दर्शु जा रहे हैं घर पे. बाय हनी. तो हमने एक मूवी और देखी और बहुत एंजॉय किया. और शाम को चाचा चाची ये लोग गए और अभी ये मेरी बहनें जा रही हैं घर पे. बाय फ्रेंड्स.